नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स वहां में। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे IUCN की जो आपकी रेड लिस्ट है उसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी जो आपकी कैटेगरीज हैं जिसमें स्पीसीज को डिवाइड किया जाता है। स्पीसीज में आपके बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे आपका एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, या फिर कोई आपका बर्ड हो गया। तो ये सारे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है डिवाइड किया जाता है उनके कंजर्वेशन स्टेटस के आधार पे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे IUCN की रेड लिस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका IUCN है उसमें कई सारे जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किए गए हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे साइट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे IUCN के बारे में एक वीडियो पहले से भी आ चुका है। अगर आपको IUCN के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका IUCN है वो आपकी एक रेड लिस्ट पब्लिश करता है जिसमें बताता है कि जो आपके स्पीसीज हैं जिसमें आपके एनिमल प्लांट या फिर बर्ड हो गए तो उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट इसका नाम दिया गया था, और ये जो आपका है 1964 में बना हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्या है कि इन्वेंट्री ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो आपकी जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में उनका जो ग्लोबल लेवल पे जो कंजर्वेशन स्टेटस होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जो आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज है उसका क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, वो कितने खतरे के निशान के ऊपर है या कितने खतरे के निशान के नीचे है, इन बातों को जो है ये निकालती है, मतलब ज्ञात करती है और पूरे जो है वर्ल्ड को बताती है उसके बारे में। अब जो आपका IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें कई सारी जो स्पीसीज है जिसमें जिनकी संख्या जो आपकी थाउजेंड यानी हजारों में है उनके बारे में बताती है कि इनका जो है एक्सटिंक्शन रिस्क क्या है, यानी कि जो इनका विलुप्त होने की जो कगार पे कौन सी प्रजातियां पहुंच चुकी हैं और कौन सी प्रजातियां जो है अभी सुरक्षित हैं। तो ये सभी बातें जो है आपकी IUCN की रेड लिस्ट में बताई जाती हैं। तो आपकी दुनिया में जितनी भी तरह की स्पीसीज है जिसमें आपका एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, कोई या कोई प्लांट हो गया, तो जो आपका IUCN है उसकी रेड लिस्ट में इनको 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और 9 ग्रुप में जो है आपका 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है उनको आपको नाम याद रखने हैं। तो पहला है आपका एक्सटिंक्ट, यानी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द स्पीसीज इज नो लॉन्गर एक्सटेंट, यानी कि ऐसी जो स्पीसीज यानी ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है यानी जिसका कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है धरती पे उसको जो है एक्सटिंक्ट बोला जाता है। दूसरा आपका होता है एक्सटिंक्ट इन विल्ड, यानी कि सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी, यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं वो धरती पे तो विलुप्त हो चुके होते हैं लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे इनको स्पेशल केयर में रखा जाता है ताकि जो है इनका जो फ्यूचर हो वो थोड़ा सिक्योर रहे। तीसरी आपकी लिस्ट है उसमें आपको बोला जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि CR इन अ पर्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट, यानी कि ये क्रिटिकल स्टेट होती है पर इतनी भी क्रिटिकल नहीं होती है कि एक्सटिंक्ट के करीब पहुंच गई हो। तो ये क्रिटिकल होती है एक एक्सट्रीम लेवल पे लेकिन एक्सटिंक्ट से दूर होती है। इसके बाद आपका आता है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड क्या होता है, जो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है उसे थोड़ा लो लेवल का होता है और इसमें रिस्क जो होता है थोड़ा कम होता है, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो आपकी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में पहुंच जाती है, जो आपका वाइल्ड यानी कि जो आपके जंगल होते हैं उनमें एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में पहुंच जाती है। और अगला है आपका वल्नरेबल, यानी कि VU। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंडेंजर्ड है उससे थोड़ा इसमें रिस्क कम होता है। और बात करें कि अगला क्या है तो इसमें आता है नियर थ्रेटन। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग टू बीइंग एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। तो इनका जो अभी तो कोई एक्सटिंक्शन का यानी कि विलुप्त होने का कोई अभी स्थिति नहीं रहती है लेकिन जो आपका फ्यूचर हो जो है फ्यूचर में जो है आपका ये रिटर्न हो सकता है, यानी कि ये विलुप्त होने की कगार पे पहुंच सकता है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए उतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है लेकिन फ्यूचर में जो रिस्क है बढ़ सकता है। और सबसे लास्ट में आपका आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न वाले जो होते हैं इनको उतनी केयर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि तो ये एक्सटिंक्ट होना इनका बहुत ही दूर की बात होती है क्योंकि तो इनके काफ़ी मात्रा में जो है इनकी संख्या यानी कि मेंबर जो है अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो आपके दो और हैं डाटा डेफिशियंट, यानी जिनके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और जिनको इवेल्युएट नहीं किया गया है, तो इनको आपको नहीं याद रखना है। आपको केवल जो ये 7 जो स्पीसीज हैं इनको याद रखना है, 7 कैटेगरी जो है उनको याद रखना है। और आपको हर स्पीसीज पे एक ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा जिस डायग्राम जिसमें आपको 7 नंबर दे रखे हैं जिसमें आपका एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट विल्ड हो गया,
फिर आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, फिर आपका नियर थ्रेटन या लीस्ट कंसर्न। तो आपका जो ये कलर देख सकते हैं आप यहाँ पे, जहाँ पे आपका ब्लैक है मतलब वो ज़्यादा डेंजर है, और जो आपका ग्रीन है वो थोड़ा सेफ है, और बीच में जो आपको थ्रेटन वाला दिख रहा है रेड कलर में, तो आप देख सकते हो कि एक कलर के हिसाब से जो है इनको डिफाइन किया गया है। और हर जो एक स्पीसीज होती है, कोई एक पर्टिकुलर जो आपका एनिमल, बर्ड या प्लांट हो गया, उनको इस स्केल पे जो है डिफाइन किया जाता है कि उनकी स्टेटस क्या है और उनको कितना कंजर्वेशन का रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपका जो IUCN है, उसमें कई सारे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसमें आपका कैटेगरी 1A में जो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व हो गए, कैटेगरी 1B में जो आपके वाइल्ड विल्डरनेस एरिया यानी कि जो वाइल्ड वाले एरिया हो गए, कैटेगरी 2 जो आपका है नेशनल पार्क है। ये आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क कौन सी कैटेगरी में आता है IUCN में, तो आपका कैटेगरी 2 में आता है। कैटेगरी 3 में आपके जो नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर हो गए, जैसे कई सारे आपके जो नेचुरल मॉन्यूमेंट मिलेंगे जो आपके नेचर द्वारा बनाए गए होंगे, जैसे आपका जो आपका काजीरंगा हो गया, इस तरह के जो आपके मॉन्यूमेंट हैं। इसके अलावा आपका जो कैटेगरी 4 में जो हैबिटेट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया हो गए, इसके अलावा कैटेगरी 5 में आपके प्रोटेक्टेड लैंडस्केप सीस्केप या एरिया हो गए, और आपका जो लास्ट कैटेगरी है उसमें आपका प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके जो 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्रोटेक्टेड एरिया के बेस पे। लेकिन आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो आपका कैटेगरी 2 में कौन सा आता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपके कंजर्वेशन स्टेटस के बेस पे 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है रेड लिस्ट में, उसको भी आपको याद रखना है। अब आपके जो 1 डे टाइप एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि IUCN के करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो आपके जो IUCN के करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है झांग जिनजेंग, ये आपके चाइना से हैं। और जो आपके IUCN की करंट जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है इंगर एंडरसन, और ये डेनमार्क से हैं। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप इनको जो है अपडेट हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि साइट्स के बारे में, साइट्स क्या है। तो साइट्स द कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ऑल्सो नोन एज द वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो इसका ये नाम है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा का मतलब होता है आपका जो आपके एनिमल हो गए और आपके प्लांट हो गए, उनको जो है फौना एंड फ्लोरा भी बोला जाता है। और इस कन्वेंशन को जो है वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ अ मल्टी लेटरल ट्रिटी ऑफ प्रोटेक्टेड इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। तो आपके जो जो इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल है उनकी जो प्रोटेक्शन के लिए जो है ये जो आपका कन्वेंशन साइन किया गया था। और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो आपका 1963 में जो आपका रिजोल्यूशन बना था, जिसमें आपकी IUCN की जितनी भी मेम्बर कंट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे जो है ये आपका रिजोल्यूशन बनाया गया था, और फिर बाद में जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब बात करें कि जो आपका ये वॉशिंगटन कन्वेंशन यानी कि जो आपका साइट्स है, इसका एम क्या है। इट्स एम इज टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज इन द वर्ल्ड। तो आपके इसमें बताया गया है कि जो आपके प्लांट या एनिमल हैं जिनका ट्रेड होता है, उनका ट्रेड एक लिमिट तक होना चाहिए, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि जो उनका सर्वाइवल है वो आपका जंगलों में या वाइल्ड में जो है मुश्किल हो जाए। तो ट्रेड तो करना ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, जिसके बाद जो है उसको नहीं करना चाहिए। और जो आपका साइट्स है उसमें करीब आपके 35,000 या 35,000 जो आपकी प्रजातियां हैं आपकी जानवरों की या फिर पौधों की, एनिमल एंड प्लांट की, उनको जो है इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। अब आपका जो प्रोटेक्शन है उसके बेस पे जो आपके साइट्स है उसको 3 अपेंडिक्स में बांटा गया है। हर अपेंडिक्स में जो है कुछ आपके जो प्रजातियां हैं उनको उल्लेख किया गया है उनका। तो इसमें जो आपका अपेंडिक्स 1 है उसमें करीब आपकी 1200 प्रजातियां आती हैं, और जो इसमें प्रजातियां आती हैं वो आपकी जो एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच चुकी हैं, और उनका जो कॉमर्शियल ट्रेड होता है यानी कि जो ट्रेड पैसों के लिए किया जाता है, उसमें पकड़े जाने पर जो है आपको आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और ये एक तरह से इलीगल है। और इनका ट्रेड अगर होता भी है तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो अपेंडिक्स 2 है इसमें करीब आपकी 21,000 यानी कि 21,000 प्रजातियां जो हैं बताई गई हैं, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो ये प्रजातियां अपेंडिक्स 2 में रखी गई हैं इनका एक्सटिंक्शन अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी जो है आपका इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो इनके लिए जो है स्ट्रिक्टर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कठोर कानून बनाए जाते हैं, और इनका जो वायलेशन करता है उन पे जो है पेनाल्टी लगाई जाती है,
और इस तरह की जो प्रजातियां हैं उनको जो है अपेंडिक्स टू में जो है कंजर्व किया गया है। अब जो आपका अपेंडिक्स थ्री है उसमें करीब आपकी 170 स्पेसीज आती हैं जो इसके अंदर लिस्ट की गई हैं। इसके अंदर जो है कुछ छूट दी जाती है कि जो कंट्री इसका एक्सपोर्ट कर रही है उसको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, यानी कि जिस कंट्री से जो एक्सपोर्ट हो रहा है स्पीसीज का उसको एक सर्टिफिकेट जो है देना पड़ता है कि मैं ये जो है इसको अलाउ कर रहा हूँ कि ये जो है आपका ट्रेड किया जा सके। तो ये जो अपेंडिक्स थ्री में जो थोड़ी सी छूट दी जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है हमारा चैनल एग्जाम सभा, जहाँ पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसमें आपका WTO हो गया, OIC हो गया, फिर आपका नेटो हो गया, इसके अलावा आपका आशियान हो गया, फिर आपका बिम्स्टेक हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आपका FATF हो गया, OPEC हो गया। तो इस तरह के कई सारे वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे राइट टॉप पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी इन वीडियोस को जो है देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम सभा पे विजिट करिए और भी वीडियोस को देखिए। उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।